guys, welcome back. This is Nirmala and you are watching The Salawning Center. Today we are going to learn हिंदी संयुक्त अक्षर in English. यानी हम हिंदी संयुक्त अक्षर को कैसे English में लिखेंगे ये सीखेंगे. So let's start. Let's see प and र मिलके क्या हुआ है प्र. प्र को हम English में लिखेंगे P R प्र. एंड र मिलके हुआ है ट्र. ट्र को हम इंग्लिश में लिखेंगे टी आर ट्र. ओके एंड देन ग एंड र मिलके क्या हुआ है ग्र. ग्र को हम इंग्लिश में लिखेंगे जी आर ग्र. ग्र को हम इंग्लिश में लिखेंगे जी आर ग्र. श एंड क आधा स एंड क हुआ मतलब स्क हम पढ़ते हैं तो स्क को हम इंग्लिश में लिखेंगे एस के एंड एस सी. एस के भी लिखते हैं एस सी भी लिखते हैं. एंड देन स एंड म श्म. श म के साथ मिलके हुआ स्म. जैसे हम स्माइल लिखते हैं तो स्म के लिए हम लिखेंगे एस एम. स्म स्म के लिए हम लिखेंगे एस एम. प एंड ल मिलके हुआ प्ल. जैसे हम प्ले ये सब लिखते हैं तो प्ल के लिए हम यूज करेंगे पी एल प्ल. वैसे ही क एंड ल. क एंड ल मिलके क्या हो रहा है क्ल. जैसे हम क्लास क्लिप ये सब लिखते हैं तो क्ल के लिए हम यूज करेंगे सी एल. क्या यूज करेंगे सी एल. श एंड प मिलके हुआ है स्प. श एंड प मिलके हुआ है स्प. तो स्प के लिए हम यूज करेंगे एस पी स्प. श एंड ट स्ट स्टेट ये सब हम लिखते हैं तो स्ट के लिए हम यूज करेंगे एस टी. क्या यूज करेंगे एस टी. स एंड त स्त. स्त के लिए भी हम यूज करेंगे एस टी. क एंड स मिलके हुआ है कस. जैसे हम ऑक्स बक्स ये सब लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्स. क्या यूज करेंगे एक्स. अगर म में रेप आ जाएगा या प में रेप आ जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में आर एम और आर पी. ओके एंड देन और भी मैं आपको बता दूं ज में अगर नुक्ता आ जाएगा ज में ऐसे नीचे में अगर आपकी नुक्ता आ जाएगा तो उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे. जैसे हम लिखते हैं अजहर तो उसके लिए हम ऑल अबाउट हिंदी संयुक्त अक्षर व्यंजन हाउ टू राइट इन इंग्लिश. ये आपको स्पेलिंग में बहुत ही हेल्प करेगा. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाला बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.